नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो घर में डीडी फ्रिज लगी रहती है उसमें ये वाली प्रॉब्लम अक्सर आती है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम आती है नो सिग्नल की, दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है नो टीवी प्रोग्राम की। तो इसे हम किस प्रकार से घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं, ये वीडियो आज इसके बारे में बताएगा दोस्तों। इस वीडियो में यही बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने डीडी फ्रिज के बॉक्स के रिमोट को उठाना है और मेन्यू का बटन प्रेस करना है। मेन्यू के बटन को प्रेस करते ही हमारे सामने एक ऐसा आइकन आएगा, एक ऐसी लिस्ट खुलेगी। फिर हमें थर्ड नंबर पे लिखा होता है प्रोग्राम सेटअप, उसे हम प्रेस करेंगे। उसके प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक नया एक आइकन और आ जाएगा जिसमें फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ होता है ऑटो स्कैन। उस पर हम ओके का बटन दबाएंगे। ओके का बटन दबाने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसपे आप एलएनबी फ्रेग्रेंसी और स्कैन मोड ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आप इसी जगह पे एक बार ओके और दबा देंगे। ये हो क्या रहा है दोस्तों, ये हो रहा है कि हमारे जो फ्रेग्रेंसी है, जो चैनल है, वो अपडेट हो रहे हैं, ऑटो स्कैन हो रहे हैं। इसमें नए चैनल आ जाएंगे जो हमारी नो सिग्नल और नो टीवी प्रोग्राम की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी दोस्तों। इससे ये 100 तक पूरा चलेगा दोस्तों। अभी इसमें 13% हुए। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप चैनल इसमें आने स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके से हम इसमें नए चैनल अपडेट भी कर सकते हैं और वो वाली प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं दोस्तों, नो सिग्नल और नो टीवी प्रोग्राम वाली। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 94 चैनल हमारे इसमें आ गए, 88% हुए हैं। अब जो इसमें चैनल आने थे 94 चैनल आ चुके हैं, इससे ज्यादा इसमें चैनल नहीं आएंगे डीडी फ्रीड इसमें अभी फिलहाल दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, अभी हमारा जो डीडी फ्री डिश का बॉक्स है वो एकदम चालू हो गया है। ये मैं चैनल चेंज करके दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों, सारे चैनल चल रहे हैं। इस प्रकार से हम घर बैठे इस चीज की सॉल्यूशन कर सकते हैं।